लास्ट वीडियो में हमने देखा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे। पहले हमने देखा इसका मिड वैल्यू, हमने कैलकुलेट किया 5, 15, 25, 35, 45। फिर हमने देखा इसका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया 5, 20, 45, 80, 125। फिर इसके बाद हमने देखा कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इसका परसेंटेज ऑफ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको हमने देखा ऐसे, यार मैक्सिमम पॉइंट है 125 और हमको 5 कैलकुलेट करना है, 125 का कितना परसेंट है। तो 5 डिवाइडेड बाई 125 × 100। इसी तरह हमको 20 को देखना है, 20 125 का कितना परसेंट है। तो 20 डिवाइडेड बाई 125 × 100। नेक्स्ट है 45, हमको कैलकुलेट करना है कि 125 का कितना परसेंट है। तो 45 डिवाइडेड बाई 125 × 100। इस तरह करके हम सब कैलकुलेशन इनका परसेंटेज ऑफ कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की 4, 16, 36, 64, 100। अब 100 100 पार्ट में हमने इनकम को डिवाइड कर लिया। अब नेक्स्ट हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या नंबर ऑफ पर्सन, यह 4, 5, 7, 5, 4 यह वैल्यू दी हुई है, इसको इसका हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट हो गया 4 + 5 ऐड कर देंगे तो 9 + 7 ऐड करेंगे 16 + 5 ऐड करेंगे 21 + 4 ऐड करेंगे 25। इस तरह एक कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हम इसका परसेंटेज ऑफ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम है 25, और 25 हमको 4 कैलकुलेट करना है कि 4 25 का कितना परसेंट है। तो हमने देखा कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 25 × 100 तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे 9 25 का कितना परसेंट है, तो 9 डिवाइडेड बाई 25 × 100। इस तरह करके सभी का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब वैल्यू हमको मिलेगी 16, 36, 64, 84, 100। ये अब 100 100 में हमने दोनों को डिवाइड कर लिया टोटल में। तो इसी वैल्यू के बेस पर हम लॉरेंज कर्व ड्रा करते हैं, जो परसेंटेज ऑफ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनकम का मिला और परसेंटेज ऑफ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर्सन का मिला, इन्हीं दोनों वैल्यू के बेस पर हम लॉरेंज कर्व ड्रा करते हैं। देखा था कि लॉरेंज कर्व, अभी हमने फिगर देखा था शुरू में, हम क्या करेंगे इसको 100 में पूरा डिवाइड किया तो 100 पार्ट में यह डिवाइड हो जाएगा, पर्सन नंबर ऑफ पर्सन। तो यह इनकम भी 100 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यह 100 पार्ट में यह डिवाइड हो जाएगा। दोनों के 100 के पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से ऐड करेंगे, फिर इसको हम यहाँ 0 से ऐड कर देंगे। अब यह जो लाइन मिल गई हमको, लाइन ऑफ इक्वालिटी, यही है लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है यह। इस पर अगर हमको लॉरेंज कर्व की वैल्यू मिलती है तो हम मानेंगे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अदरवाइज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कैलकुल कैसे लॉरेंज कर्व ड्रा करेंगे, हम इसके थ्रू ड्रा करेंगे जो दोनों परसेंटेज मिला है। अब हम देखते हैं इनकम का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है या वाई एक्सिस पर यूज करेंगे, जो पर्सन का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको एक्स एक्सिस पर यूज करेंगे। तो 60% पर्सन के पास 4% इनकम है, तो एक वैल्यू हमको इधर मिल जाएगी 16% और 4% इनकम। नेक्स्ट देखेंगे 36% पॉपुलेशन के पास 60% इनकम है, 36 हम एक्स एक्सिस पर देख लेंगे और 16 वाई एक्सिस पर, तो हमको यहाँ एक वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे हमको यह 5 पॉइंट मिलेंगे, इन 5ों पॉइंट को हम ऐड करेंगे तो एक लाइन हमको मिलेगी, इसी को बोलते हैं हम लॉरेंज कर्व।
या लॉरेंज कर्व का जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा इससे उतना ही इनइक्वालिटी सोसाइटी में होगी। सपोज दैट अगर यह लॉरेंज कर्व की वैल्यू हमको इस लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही मिल गई अगर सभी पॉइंट को ऐड करने के बाद, तो यह माना जाएगा सोसाइटी में या कंट्री में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, सबके पास इक्वल इनकम है। बट ऐसा होता नहीं, इक्वल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यह कहीं ना कहीं हमको यह लॉरेंज कर्व इससे डिस्टेंस पर मिलेगा। सपोज दैट हमको यहाँ पर मिला लॉरेंज कर्व, लॉरेंज कर्व इतना दूर मिला, इसका मीनिंग है डिस्टेंस जितना ही इंक्रीज होगा इनइक्वालिटी उतना ही सोसाइटी में इंक्रीज होगी। लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था शुरू में 45 डिग्री है, इससे जितना ही लॉरेंज कर्व का डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा वैसा इनइक्वालिटी सोसाइटी में इंक्रीज होती जाएगी। इस तरह यह लॉरेंज कर्व हम ड्रा करते हैं। सबसे फर्स्ट हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, फिर परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे दोनों का, और जो परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हमको मिलेगी इसी के बेस पर हम लॉरेंज कर्व को ड्रा करेंगे। इतना तो हम अपने ड्रा कर लेंगे या लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐड कर लेंगे, उसके बाद हमको जब यह पॉइंट पॉइंट ऐड करके हम लॉरेंज कर्व ड्रा कर लेंगे इन दोनों के बेस पर। यह उसका जो हमने अभी सॉल्व किया उसी का सलूशन है।